अभी जो मैं आपको चल दिखाता हूँ फैक्ट्री में रोल, अब यहाँ पे इसलिए देखेंगे वीडियो आपको यहाँ पे देखे 2 मिलियन ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ले 325 वीडियो में। अब यहाँ पे देखें कुछ इस प्रकार के एनिमल वीडियो भी आप बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखाता हूँ पॉपुलर वीडियो पे, यहाँ पे देखिए 16 मिलियन 8 मिलियन देखिए इसमें मिलता है मिलियन से व्यूज लाए हैं, बहुत सारा देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है। आप कहते हैं कि भाई साहब खुद अपना फेस तो ना दिखाते सिर्फ वॉइस देते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे इसका जो वीडियो देखने को मिलता है अब कहते हैं कि इसका चैनल 100% मोनेटाइज है और वॉइस इसी तरह का वीडियो भी आप बनाते हैं एनिमल्स को लेकर। अगर आप ही चाहते हो कि भैया मैं भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो किस प्रकार से बनाओगे, कहाँ से वीडियो लाओगे, मैं इस वीडियो पर पूरा रिसर्च करके लाया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना, हमारे वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना। और दोस्तों आपका किस प्रकार से क्रिएट करनी है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको इस एप्लीकेशन कैसो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को लेने के लिए तो क्या करें, कैसो एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना, ये आपको प्ले स्टोर से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कैसे आपको क्रोम ब्राउजर में आना या फिर आपके फोन में जो भी ब्राउजर का उस ब्राउजर को आपको ओपन करना, यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक करना, यहाँ से आपको कैसो एपीके लिखना है। अब देखिए जैसे लिखते यहाँ पे देखिए आपको जो फर्स्ट वाले देखते इस पर आना है और यहाँ से आपको देखिए कैसो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेगा, आप ऊपर आना यहाँ वाले पर देखेंगे डाउनलोड वाले पर क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड करना, यहाँ से आपको इजी तरीका से बहुत ही इजी तरीका से आसान तरीका से आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर लेना। इसके बाद मैं देखिए इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, आप देखिए जिस तरह से ओपन कर देते कि आपको इस तरह से देखने को ये खुल रहा है। आप कहते हैं कि इस तक आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे वीडियो मिले, ये जो तो चाइनीज एप्लीकेशन है, यहाँ से आपको देखिए ढूंढना पड़ेगा, देखिए यहाँ से आपको तो आपको देखिए यहाँ पे आना, आपको देखिए एनिमल वाले वीडियो देखिए यहाँ पे मिलेगा, आपको थोड़ा ऊपर आनी है, देखिए यहाँ से इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा, आप यहाँ से भी ले सकते हो। बट गाइस मैं यहाँ से भाई साहब जैसे बनाते हैं उसको मैं यहाँ से ढूंढना, तो आपको यहाँ पे ऊपर आनी है और यहाँ से आपको इंस्टॉल ऊपर करना है। आप कहते हैं जैसे ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे एनिमल का मिलेगा, देखिए मैंने एक ढूंढ लिया, यहाँ से क्लिक करना आपको, अब यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करके आपको डाउनलोड सबसे पहले कर ले, देखिए मैं यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ देखिए डाउनलोड पर क्लिक, यहाँ से इसको देखिए आपको डाउनलोड करना, अब यहाँ देखिए मेरा डाउनलोड हो रहा है, देखिए यहाँ से आपको अलाउ अलाउ कर देना, आपको परमिशन को अलाउ कर देना, देखिए यहाँ से नीचे मेरा डाउनलोड हो रहा है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे तो आपको ऊपर इंस्टॉल करके आपको यहाँ पे बहुत सारे एनिमल का मिलेगा, तो आपको कोई एक डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको अच्छे से एडिटिंग करना है। तो गाइस देखिए मेरा यहाँ से डाउनलोड हो जाता है, उसमें मैं आता हूँ एडिटिंग कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। आप गाइस एडिटिंग करना है, एडिटिंग के लिए मैं यहाँ से काइन मास्टर का यूज करता हूँ, आप ही काइन मास्टर को ले लेना, अब यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ। आप कहते हैं कि अगर आपको भी काइन मास्टर से विदाउट वाटर मांग वाले तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक लिंक दूंगा वहाँ से लेना। आप कहते हैं कि जो अपने वीडियो को डाउनलोड किया था उस वीडियो को आपको यहाँ से लेनी है। आप देखिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे देखिए ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको देखिए आ गया। अब क्या करें, देखिए इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, आप देखिए ऊपर आपको चैनल जो ऐप है उसको लोगो दिख रहा था, अब इसको कैसे बंद करनी है, तो आप यहाँ से पैनल जूम पे क्लिक करना, आपको हल्का इस प्रकार से जूम कर देनी। अब देखिए मैंने यहाँ से वीडियो क्लिक करा, आप देखिए इसी प्रकार से आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलेगा, तो आपको सबसे पहले इसका लोगो को हटा देना है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है यहाँ पे देखिए आ गया। तो अब यहाँ से आपको क्या करनी है, देखिए वीडियो में आपको इस तरह से देखने को मिलता है, अब इसको आपको आकर्षण बनाना ताकि आपके वीडियो आपकी ऑडियंस बहुत ही अच्छे से देखे। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, इसकी जो वैल्यूम है इसको आपको पूरे कम कर देना है, इसका यूज नहीं करना, आपको खुद का वैल्यूम को देना है, तो आपको बंद कर देना। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से आपको अच्छे से वीडियो को बनाना है। सबसे पहले आपको वीडियो को अच्छे बनाने के लिए आपको ऊपर में एक अच्छा सा टेक्स्ट लिखना होता है ताकि ऑडियंस उस टेक्स्ट को पढ़ के आपकी वीडियो को भी एंड तक रुके। सबसे पहले मैं यहाँ से टेक्स्ट को लिखूंगा, तो लेयर पर जाकर आप यहाँ से भी टेक्स्ट को लिख सकते हो, बट मैं यहाँ से नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ से पिक्सल लैब का यूज करके मैं उसमें अच्छे से टेक्स्ट को लिखता हूँ। तो मैं जाता हूँ पिक्सल लैब में, तो अब मैं यहाँ से तो पिक्सल में देखिए दोस्तों मैं आगे, ये बहुत ईजी तरीका है जो यूट्यूब पे काम करते हैं उसके हर एक फोन में पिक्सल ऐप होगा ही होगा। अब यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, ये न्यू टेक्स्ट है, इस पर आपको क्या करना है क्लिक करके आपको डिलीट कर देना। मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले पर जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करना, यहाँ पे आना, यहाँ पे एडिट वाले पर क्लिक करना। अब देखिए आपको एक अच्छे से फ्रंट साइड में आपको लिखना है कि दोस्तों वीडियो में हो क्या रहा है उसको अच्छे से देख लेना, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छे से स्क्रिप्ट को लिखनी है। आप कहते देखिए मैंने यहाँ लास्ट में डॉगी के साथ, अब देखिए मैंने यहाँ से एक सस्पेंस क्रिएट करने वाले टेक्स्ट को लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ से इसको लिख लेने के बाद अब क्या करनी है, यहाँ पे साइज वाले पे क्लिक करके आपको थोड़ा साइज को बढ़ा देना है, उसको आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए आना है, आपको यहाँ पे ऊपर देखिए फ्रंट फ्रंट वाले पर क्लिक करना, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ्रंट है, बस आपको मैं यहाँ पे खुद मैं अपना फ्रंट ऐड कर रखा हूँ, तो मैं अपना फ्रंट को यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ से कर दिया। अब उसके क्या करना, आपको यहाँ पे जाना बैकग्राउंड वाले पर, इसको इसके यहाँ से इस पास से कर देनी है, यहाँ से आपको बैकग्राउंड को यहाँ देखिए कलर आपको बहुत सारे कलर है बैकग्राउंड, तो आप यहाँ से कोई भी कलर आपको बैकग्राउंड को ले लेना, तो मैं इस कलर को ले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर के। उसका क्या करना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से फिर आने के बाद देखिए कलर वाले पर क्लिक करना, अब इसकी जो होती है जो टैक्स है उस कलर को मैं यहाँ पे थोड़ा
देखिए अच्छे से यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ देखिए इस तरह से मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, थोड़ा अपने हिसाब से आप भी करके यहाँ से फिर आपको बहुत सारे कलर है तो आप कोई कलर को ऐड कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे देखिए प्लस वाले पर क्लिक करके आपको जो अच्छा लगे उस कलर को ऐड करना। मैं आ जाता हूँ, एक कलर को अपने मन से ऐड कर लेता हूँ, उसका देखिए फिर मैं आ जाता हूँ। देखिए इसके बाद मैं यहाँ से इस तरह कलर को ऐड कर लिया। यहाँ से करने वाले फिर क्या करना, आपको यहाँ से सबसे लास्ट में आना, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो होती है ब्लैक साइड क्लिक करके आप यहाँ पे चार पड़ना, देखिए इस तरह से आपको बहुत ही आकर्षण टैक्स हो जाता है। अब इसे क्या करना, उसका आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा आपको अच्छे से देख लेने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड पर जाना। अब इसकी जो टैक्स को देखिए आपको इधर थप बढ़ा देना, फिर इसको इधर बढ़ा देना, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और आपको इस पर क्लिक करना है, आप ट्रांसपेरेंस पर क्लिक करके आप यहाँ से आपको क्लिक करके इसको यहाँ पे इमेज को आपको कर लेना होगा। यहाँ देखिए इस टैक्स को से लगा कितना अच्छा आपको बन गया, आपको काइन मास्टर भी इतना अच्छा नहीं बनता। फिर देखिए मैं यहाँ से काइन मास्टर में यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे मीडिया पे जाना, और उस मीडिया पे जाने के बाद अब जो आप टैक्स को बनाए उस टैक्स को देखिए यहाँ से पिक्सल वाले टैक्स है, तो मैं इस टैक्स को यहाँ पे लेकर अच्छे से देखिए ले लेता हूँ। यहाँ से टैक्स को लेने वाले आपको देखिए इस प्रकार से जूम करके यहाँ से इधर लगा दे रही, देखिए कितना अच्छा आपको लग रहा है, देखिए कितना अच्छा आपको टैक्स लग रहा है। इस तरह से आपको टैक्स को लगाए तो बहुत ही आकर्षण आपका वीडियो को बनेगा। तो यहाँ देखिए लगा दें, देखिए इस तरह से आप टैक्स को यूज करोगे तो आपकी वीडियो बहुत ही आकर्षण बनेगा। यहाँ से पूरे एंड तक बढ़ा देनी है, उसके बाद क्या करना दोस्तों, अब यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वॉइस को रिकॉर्ड करना है। अब वॉइस आपको आरएसएस पर क्लिक करके रिकॉर्ड करना, आप सीधे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको कुछ ऐसा वीडियो बनानी है, कुछ ऐसा सस्पेंस को क्रिएट करना है ताकि वीडियो को देख कर आपकी जो ऑडियंस है उसको एंड तक देखे, ऐसा कुछ आपको लिखना है। जैसा कि देखिए मैं यहाँ से वॉइस को रिकॉर्ड करूँगा तो आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार की मैंने वॉइस मैंने बोला रुका है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ से मैं अपने जहाँ पर मेरा वॉइस था बंद किए हैं रुके हैं, तो आपको वहाँ पे वॉइस को कट करके अच्छे से एडजस्ट करना, तो मैं इस प्रकार से एडजस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको भी इसी प्रकार से एडजस्ट कर देना है। अब कहते हैं कि मैंने वॉइस को भी यहाँ पर देखिए एडजस्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना आपको इस पर क्लिक करना, इसकी जो आपको स्पीच को थोड़ा पूरे दोस्तों यहाँ से पूरे बढ़ा देकर कम कर देनी, देखिए इस प्रकार से आपको कम रखनी है। उसका दोस्तों देखिए आपका वीडियो बहुत ही आकर्षण और बहुत अच्छा देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। दो चार वीडियो बनाएंगे तो आप अच्छे से वॉइस को रिकॉर्ड करना भी सीख जाएंगे, अच्छे से सब कुछ करना सीख जाए, तो आपको दो तीन वीडियो को क्रिएट करना है और सीखना, और यहाँ से करने वाले इस पर क्लिक करना, यहाँ से आपको फुल एच डी में क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर लेना। इस प्रकार से दोस्तों वीडियो बन जाएगा। और अगर कोई डाउट होती है तो आप हमें कॉमेंट कीजिए, और कोई सवाल है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।